हाय गाइस, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। आज गुड़ी पाड़वा है तो आज मैं बनाने वाली हूँ पूरन पोली, और हम लोग उसको बोलते हैं कटाची आमटी। तो वो एक करी होती है जो दाल के पानी से और स्पाइसेस से बनाई जाती है पूरन पोली के साथ खाने के लिए। तो मैं वो बनाने वाली हूँ आज। मेरे क्लासेस चल रहे थे सुबह से तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अभी मैंने दो क्लासेस बीच में ऑफ ली है ताकि मैं थोड़ा सा प्रेपरेशन कर पाऊँ। तो अभी मैं पूरन पोली और वो बनाऊँगी। चलो आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ। गाइज, ऑलमोस्ट मेरी सारी प्रेपरेशंस हो गई। अभी मैं आमटी को तड़का लगाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये कोकोनट अनियन और स्पाइसेस का पेस्ट तैयार किया। हम लोग इसको वाटप बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे करते हैं। तो वैसे कमेंट करना क्योंकि मैं डिटेल में कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस आपको ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। तो उसका बेस होगा कोकोनट, उसका जो आमटी का बेस होता है वो कोकोनट अनियन, ये सारे स्पाइसेस और थोड़ा सा जो दाल का पानी होता है वो डाल के बनाया जाता है। और भजिया का भी क्रिएटेड है मिक्सर, भजिया का भी मिक्सर मैंने बना के रखा है गरम गरम। मैं इसको एयर फ्रायर में करूँगी। राहुल से पूछती हूँ, अगर वो अलाउ करेगा तो तेल में करती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा हेल्दी खाना होगा, तो नहीं तो फिर मैं कढ़ाई में करूँगी। लेट्स सी। और यहाँ पे मैंने जो पूरन पोली का डो है उसको गूंद के रखा हुआ है। सो इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक डलता है इसमें कलर के लिए। मैदा और आटे का मिक्सर होता है इसमें। तो बेसिकली पूरन पोली तो तब बनाऊँगी जब राहुल की क्लास खत्म हो जाएगी, तो गरम गरम खाएंगे। भजिया भी साइड बाई साइड तलेंगी। और अब मुझे बनाना है सबसे मेन थिंग पूरन। तो दाल जो है वो 5 to 6 विसल्स करके पक गई है। अब इसमें मैं गुड़ डाल के, इलायची पाउडर डाल के उसको घोलने वाली। तो उसका जो स्टफिंग होगा वो रेडी करना अभी, विच इज़ द मेन थिंग राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो गाइस, जो चने की दाल आप देख रहे हो अच्छे से एकदम ये मशी मशी हो गई है, पक गई है। नीचे जो इसका पानी है जो मैंने छान लिया है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी को हम लोग आमटी में डालने वाले हैं एज अ करी जो हम यूज़ करेंगे, जो मैंने कोकोनट का बनाया हुआ है उसके साथ। एंड ये जो है ये स्टफिंग में यूज़ होगा, चने की दाल प्लस गुड़ और इलायची। थोड़ा सा एकदम कम नमक डलेगा नाम के लिए। तो गाइस, ये चने की दाल और उसका मैं अभी अंदर का स्टफिंग बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने, मेरे पास गुड़ की पाउडर हो तो अच्छा है गाइस, आप डायरेक्टली वो ऐड कर सकते हो। बट मैंने, मेरे पास बड़ा वाला गुड़ था तो मैंने उसको छन्नी क्रशर से क्रश किया, तो ये इजीली मिक्स हो जाएगा। तो गाइस, अभी मैं तड़का लगा रही हूँ वो जो आमटी है उसको। कड़ी पत्ता, जीरा, ये सब डाला। और जो मिक्सर मैंने बनाया था कोकोनट और अनियन का, वो डाला है मैंने इसमें अभी। ये क्या है? ये पूरा नहीं, ये दाल और गुड़ का जो मिक्सर है ना, अच्छा वो है। ये स्टफिंग इतना बना दी, सिर्फ 10 रोटी बन जाएगी। नहीं, वाव। गाइस, कटाची आमटी रेडी है। ये थोड़ी सी पतली ही होती है, इसको आप ऐसे ही पियोगे ना तो भी आपको बड़ा टेस्ट लगेगा। ये है पूरन, ये भी रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, मिक्स करूँगी अभी इसको। हे गाइस, हैप्पी गुड़ी पाड़वा एंड हैप्पी नवरात्रास टू यू ऑल। आज तो भैया मैडम एकदम फुल ऑन चालू है, पता नहीं क्या क्या बना रही है। ये शायद भजिया बना रही है, पकोड़े बेसिकली। और मैं तीन चीजें बनाने वाली हूँ। हाँ, क्या क्या बना रहे हो? तो मैं बनाने वाली हूँ बेसन और कांदे की भजिया, ग्रीन चटनी होगी उसके साथ, और पूरन पोली होगी और उसके साथ कटाची आमटी होगी। मैंने उनको बताया कटाची आमटी क्या होती है। ऐसे तो हम बड़ा सिंपल खाना खाते हैं, अब फेस्टिवल्स होते हैं तो उस दिन तो मजा आता है बनाने। और मुझे यहाँ का पता नहीं था, मैंने कभी गुड़ी पाड़वा में इतना सेलिब्रेशन देखा नहीं। मैं अभी अंदर बैठ के क्लास ले रहा था तो बाहर वो इतनी जोर जोर से ढोल और बाजे बज रहे थे, एकदम वहां से साउंड ऐसे इधर तक ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने देखा नहीं कुछ बाहर जाके क्लास थी। बट सही है, मजा आया। हम खाने वाले हैं आज, ये गलत बात है, मेरे को नहीं चाहिए था ऊपर, तूने ऊपर से डाल दिया। गाइस, पूरन पोली का जो मजा होता है ना वो उसके ऊपर घी डाल के ही होता है। तो अभी हम खाने वाले हैं। रोज रोज तो हम सिंपल खाना खाते हैं, फेस्टिवल के टाइम पे ही मौका मिलता है ये सब बनाने का, खाने का, तो बहुत मजा आता है।
सो हम खा रहे हैं, बहुत भूख लगी। बाय। तो गाइज अभी जस्ट सारा काम खत्म हो गया, किचन को क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और लंच करने के बाद मेरा बहुत मन कर रहा था मम्मी पापा को भी खिलाओ, और मुझे लगा शायद सफिशिएंट नहीं होगा, पता नहीं कैसे बनेगा। मैंने ये सब फर्स्ट टाइम बनाया था, इसके पहले कभी नहीं बनाया। भी हमने भेज दिए चार पांच पूरन पोली और थोड़ी सी भजिया और वो डाल के भेज दी। अब बस ये है कि जो वी फास्ट वाला है वो खाए ना। नहीं ऐसे एक्चुअली हमने स्टोरी सुने, बट ठीक है, हम क्यों नेगेटिव सोचे। हाँ, तो अगर उसको खाना होगा तो उसकी किस्मत में होगा, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएगा। तो हम ऐसे ही बैठे, अभी इसकी क्लास होने वाली थी, बेचारा बहुत थक गया था, तो इसकी क्लास अभी कैंसिल हो गई है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेगा, मैं भी अभी रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ आज बाहर जाते हैं, अभी हम फ्री है ना, तो क्या रेस्ट करनी, सो जाएंगे रात को, अभी बाहर जाते हैं। आज ईरा अंदानी में शायद कुछ रंगोली वंगोली कुछ बनी हुई है, तो हाँ। थोड़ा सा देख के आते हैं आगे पीछे क्या क्या है क्या नहीं, तो हम जाएंगे शायद से नीचे आज। अभी आपने देखा होगा मैं वो चाय की दुकान पे रुका था, मैंने खुद से चाय पी ली पहले, ईरानी चाय हमेशा लेता हूँ, मैं आपको हमेशा तारीफ करता रहता हूँ ईरानी चाय की, तो बहुत मज़ेदार मिलती है। मैं ईरानी चाय ली पी और मैंने 3 कप लिए हैं, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू ड्रिंक, वो छोटे छोटे कप ही होते हैं यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू ड्रिंक 2 more cups एंड वैद इज़ गोइंग टू हैव 1 chai एंड 1 बनमस्का। तो अभी जाके उसकी क्लास चल रही है, वो क्लास चलते चलते खा लेंगे। मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है कि एवरी टाइम आई कम हियर, घर में लानी होती है अगर मेरे को चाय, तो मैं एक पहले पीता हूँ, फिर मैं 2 लेके जाता हूँ घर में, तो हिसाब लगाओ छोटे छोटे कप होते हैं, तो काइंड ऑफ आई हैव 1 full लाइक 200-300 ml का कप एक भर के 3 छोटे छोटे पीता हूँ। गाइस 9:30 हो रहे हैं, अभी हम दोनों फ्री हो चुके हैं, मेरी क्लास जस्ट ख़त्म हुई, तो हम लोग एकदम तैयार होकर बाहर निकले, देखेंगे क्या है आज, अगर नहीं कुछ मिलेगा तो कुछ इधर उधर घूम के खा पी के वापस आ जाएंगे। यप। अभी हम बैठे हैं, मैंने सर पे तेल लगाया, देखो एकदम चोमू सा लग रहा हूँ, और हम ये रोल खाने वाले हैं, हम ये ऑर्डर करते हैं यहाँ से मीलफुल रोल से ईट क्लब ऐप पे। तो जैसे जोमैटो में क्या है ना कि तुम ऑर्डर करते हो तो डिस्काउंट नहीं मिलता, एक्चुअली वो ऐसे ही घुमा घुमा के प्राइस बढ़ा के दिखाते हैं, बाद में 30-40 रुपये ऑफ कर देते हैं, वही जो डिलीवरी की फीस जाती है, बट इसमें आपको एक्चुअल में डिस्काउंट मिलता है 150-200 रुपये। अगर आपको देखना है तो यू प्लीज़ डाउनलोड दी ऐप एंड सी। हम बाहर गए थे, बाहर से हमने कुछ खाया नहीं, वो सेव पूरी खाई, वो हमने शूट की नहीं, फिर उसके बाद हम वापस ही आ गए, बिकॉज यहाँ पे कुछ था नहीं इतना अट्रैक्टिव बाहर। तो अभी हम बैठे हैं, अभी हम रोल्स खा रहे हैं और महाभारत देख रहे हैं, तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। ओ पेटू। आज का हम यही एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत इरेगुलर है हम, अब से रेगुलर होने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।